आपने बिल्कुल, मैंने बरेली की बर्फी का ट्रेलर भी देखा है, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी है एक्चुअली. अश्विनी मेरी दोस्त हैं, नील बटे सन्नाटा, उन्होंने उनकी पहली फिल्म थी आई थिंक कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है. एंड आई नो इट विल बी एन अमेजिंग फिल्म बिकॉज इट्स एन अमेजिंग स्क्रिप्ट ऑल्सो. अश्विनी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड गुड डायरेक्टर एंड उन्होंने इस बार जो कास्ट भी तैयार करी है वो भी बहुत ही कमाल की कास्ट है एंड बहुत ही फन जोन की फिल्म है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट. नील भट्टे 2 जो था इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ सकता है क्या? ओ गॉड, अब मुझे लगता है चंदा बुढ़ी हो गई होगी और नहीं, इसलिए आई होप नहीं आए आपको पशनी. और नील भट्टे जैसी फिल्म बनाए लेकिन नील भट्टे को स्पेशल रहने देते हैं. आई डोंट थिंक दे कैन बी अनदर फिल्म लाइक नील भट्टे. सारा कोई भी मुद्दा और मुद्दे पे आप आवाज उठाती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं. दिमाग खराब है मेरा. यू आर वेरी ऑनेस्ट. यू नो सेंसरशिप को लेके भी आप लोग बदल गए हैं, प्रसून जी आ गए हैं. हाउ हैप्पी यू आर एंड व्हाट्स योर टेक ऑन आई थिंक कि खैर आई मीन हर इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप बदलती रहती है बट आई थिंक दैट प्रसून सर को पूरी इंडस्ट्री वेलकम कर रही है. वो एक कवि हैं, साहित्य से उनका नाता है एंड आई थिंक कि कोई भी पर्सन हु इज़ क्रिएटिव और जो खुद भी क्रिएटिव हैं वो समझते हैं कि कोई भी कलात्मक एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आज़ादी के माहौल में हो सकता है, तभी हो सकता है जब आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है. एंड आई एम श्योर प्रसून सर विल अप्रिशिएट दैट एंड इसका अच्छा ही असर और सकारात्मक असर पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर. देखिए बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी 3-4 इवेंट करके आई हूँ आज. दिन में मैं फैशन वीक में मसाबा के शो के लिए गई थी. मसाबाज कॉस्ट्यूम कैसा था? लक्ष्मी मतलब बहुत ही बेहतरीन. मसाबा का इज अ वेरी टैलेंटेड डिजाइनर, बहुत अच्छा शो रहा उनका, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनका नया एंड अच्छा होता है. हमें ना पता चल जाता है साल भर क्या पहन रहे होंगे हम. ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट मैं वीरे दी वेडिंग की शूटिंग की तैयारी कर रही हूँ और सितंबर में हम शूट शुरू करेंगे. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. थैंक यू.